मॉडलिंग की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है। आइए हम नशे के बारे में बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि सरंद के SHO रजनीश कुमार ने आज सरंद रेलवे स्टेशन पर एक सेमिनार लगाया है, जहां पर कुछ अलग अलग जगह से आए हुए ग्रामीण ऑटो चालक और रेलवे स्टेशन के लोगों ने सेमिनार में एकत्रित हुए और रजनीश कुमार ने इन लोगों को जागरूक किया है नशे के बारे में, नशे को कैसे रोका जा सकता है। और उन्होंने बोला है कि अगर आप लोग, कोई भी व्यक्ति नशे का व्यापार कर रहा है, वो नशा कर रहा है, नशा बेच रहा है, तो आप लोग हमें सूचित करिए ताकि हम सब मिलकर नशे को कंट्रोल कर सके और नशे से बच सके। आइए हमारे साथ जुड़े हुई हैं रजनीश कुमार, जो सरंद के SHO हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे ताकि नशे को हम कैसे कंट्रोल कर सकें। उन्हां दे नाल गल करदे आ, एक मुहिम दे विच चले ने किसानां नूं लै के ते ऑटो चालकां नूं लै के स्टेशन दे उत्ते अज नशिआं दी ठल पाउण वास्ते। उन्हां दे नाल गल करदे आ, उन्हां दा किस तरह दा मैटर रहा हैगा, लोकां दे प्रति की सुनेहा सर नशिआं दा? देखो, नशा एक बहुत माड़ी चीज़ है। साढ़े मानयोग SSP साहब मैडम अमनीत कौंडल जी, उन्होंने वालों सीधे तौर पर सदा दिता गया भी नशे को किसी भी कीमत असी बर्दाश्त नहीं करा, और असी देख रहे हैं साढ़े फतेहगढ़ के बहुत वधिया रिजल्ट आ रहे हैं। जो तो भी पिंडां दे विच आने लोग सानू कोऑपरेट करते हैं, और असी पूरी उम्मीद करते हैं कि जिहड़ा माड़ा मोटा नशा सांह लै रहा है साढ़े जिले के, असी उन्हें बहुत जल्द जिहड़ा जीरो पड़ देंगे। सर, एक गौरमेंट का अपने कैप्टन साहब का भी पिछले जो थोड़े दिन हो गए पहला बयान आया भी मैं बख्शूंगा नहीं, मेरे नाल पंजाब पुलिस साथ दे, ये थोड़ा की कहना? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कैप्टन साहब ने, पंजाब पुलिस खड़ी है जी, नाल साथ दे रही है। असी तो सानू जिथे भी इनफॉर्मेशन मिलती है, पिछले हफ्ते असी जिहड़ा बिहार तो बंदा लैके आ रहा सी भुक्की ते फील, असी उस दो लेडीज़ एक जेंट्स अरेस्ट किया, उस तो पहला 20 किलो भुक्की फड़ी है, 10 किलो भुक्की फिर फड़ी सी। सानू जदों भी इनफॉर्मेशन मिलती है असी अपने सोर्स कायम किए हुए ने। सर, पिंड सिद्धू वाले जिला फतेहगढ़ साहब, हाँ जी, थोड़े पिंड दे विच किस तरह दा नशियां दे रुझान है? अपने पिंड जी बिल्कुल नशा है नहीं, कोई भी नहीं करता। अच्छा जी, हाँ जी, है ठीक है। सर, तुसी कित्थों? मैं जी। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।